हेलो स्टूडेंट, आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, परम्यूटेशन का। इसको पी से डिनोट करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वेज, या डिफरेंट थिंग को आप कितने डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसका फॉर्मूला है NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। सर, इनके क्या मतलब है? n का मतलब है टोटल इवेंट्स, p का मतलब है परम्यूटेशन, और R का मतलब है फेवरेबल, यानी जो आप चाहते हैं, जो परम्यूटेशन आप जो अरेंजमेंट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए। इसमें फैक्टोरियल का क्या मतलब है? देखो, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी नीचे की तरफ जाते जाएं, 1 तक आ जाएं। अगर 4 से होता तो 4 × 3 × 2 × 1, यानी 1 तक पहुंचना है आपको उसको इंटू करते हुए। सही है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। ये वर्ड दे रखा है मुकेश। मुकेश में कुल मिला के 6 अल्फाबेट हैं। इसको कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है कि एम यहाँ आ जाए और यू की सिचुएशन जो है कहीं और चल जाए, ई की सिचुएशन यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए, एम आगे चल जाए, एच आगे आ जाए, ये कितने तरीक़ों से हो सकता है? तो फैक्टोरियल 6 यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 720 तरीके से, 720 टाइप से ये बात लिखी जा सकती है। सही है। अब मान लो इसमें कह दे कि इफ यू एंड ई आर फिक्स, यानी यू और ई की पोजीशन चेंज नहीं करना है, तो ये तो फिक्स होगा, तो चेंज होंगे एम के एस एच, केवल चार ही एम के एस एच चार ही चेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 यानी 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड है सॉफ्टवेयर, SOFTWARE। इसमें 8 अल्फाबेट हैं। कहते हैं टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, यानी इन सभी से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो फैक्टोरियल 8, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कुल मिला के 40,320 तरीके से इसको आपस में एक्सचेंज करके लिखा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और डाल दें, टेकिंग 5 लेटर एट ए टाइम, यानी आपको इनमें से कोई 5 लेटर ही लेने हैं, तो इसका मतलब आपके फेवरेबल तो 5 ही हैं। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। एन तो आपके 8 हैं, क्योंकि टोटल 8 अल्फाबेट हैं, n 8 है ही। आर का मतलब था फेवरेबल, तो फेवरेबल तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 5 ही चाहिए, तो 8 − 5, तो ये फैक्टोरियल 8 और 8 में से 5 गया तो 3, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 हो गया। तो 8 है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और 3 है तो 3 2 1, इस 3 2 1 से ये 3 2 1 कट गया, तो आपके पास केवल इतना ही बचा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये भाई 3 2 1 से 3 2 1 कट गए ना, तो बचे तो यही वाले, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस बार फेवरेबल कंडीशन भी दे रखी थी। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसमें कि रिपीटेशन हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स, इसमें टोटल अल्फाबेट जो है एन है 11, इसमें एम 2 बार है, ए भी 2 बार है और टी भी 2 बार है। तो अब ये सिचुएशन अलग हो गई, इसको नाम दिया अपन ने PQR। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल n तो है 11 और PQR आपके सब दो दो हैं, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ये तो लिख दिया 11 का अपन ने, और ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, इनसे कट जाएंगे, जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, तो ये इतने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। इस तरीके से जो रिपीटेशन होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। रिपीटेशन का एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्टेटिस्टिक्स। एन टोटल है 10, इसमें एस है 3 बार 1 2 3, टी है 3 बार 1 2 3, आई है 2 बार। सही है। तो इस तरीके से अपन ने इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। तो n तो है फैक्टोरियल n, फॉर्मूला फैक्टोरियल n, n है 10, फैक्टोरियल P यानी 3, फैक्टोरियल Q 3, फैक्टोरियल R 2, तो 10 और 3 3 2 आपका आ गया। इनकी कैलकुलेशन लिख लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिपीटेशन जो है वो नीचे लिखे जाते हैं। ये मैंने नेम का कन्वर्जन किया, जो स्टैटिक्स वर्ड में जो निकले थे उनको PQR का नाम दे दिया है। सही है। ऐसे ही वर्ड आपका है कमिटी।
कमेटी में टोटल एन है 9, इसमें एम है 2 बार, टी है 2 बार और ई है 2 बार, रिपीटेशन है। तो इसी को अपन ने पी क्यू आर में कन्वर्ट कर लिया, पी क्यू और आर, एन है 9, तो फैक्टोरियल एन है 9 आपका, और पी क्यू आर 2 2 2 है, रिपीटेशन, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक वर्ड और है बनाना, बनाना में एन है 6, ए है 1 2 3 और एन एन 2 बार, ये पी और क्यू हो गए आपके, एन है ही। फैक्टोरियल एन है 6 और फैक्टोरियल पी क्यू है 3 and 2, कल क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 6 का फैक्टोरियल बना लिया, 3 का फैक्टोरियल बना लिया और 2 का फैक्टोरियल बना लिया, इनको काट लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या है, ए और बी दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईदर ए और बी, ध्यान देना, और यानी या, हिंदी में या, इंग्लिश में और कहते हैं, जब भी या और लग रहा है तो इसका मतलब वो एडिशन थ्योरम है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक इवेंट होने की, दोनों में से कोई एक, या बोला है ना, तो इसको अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों इवेंट हैं उनको प्लस करना, और में प्लस करते हैं एडिशन, माइनस इसमें से एक इंटरसेक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेस करना पड़ता है, जिसमें कि कॉमन पॉइंट होते हैं उनको हटा दिया जाता है, है ना, ए और बी को जोड़ा, इनके कॉमन पॉइंट हटा दिए। अब ये कॉमन पॉइंट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के हद से समझते हैं। जैसे देखिए मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल हैं 5 10 15 20 25 30, है ना, 5 के टेबल में जो भी चीज आ रही है। मल्टीपल ऑफ 6 है 6 12 18 24 30, तो अपन ये कहेंगे सर बताइए इन दोनों के टोटल मल्टीपल कितने हैं, तो अपन ने कहा सर 3 और 3 6 तो इसके हैं और 3 और 2 5 इसके हैं, तो 6 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब इनमें 30 तो दोनों में है ना, तो 2 बार थोड़ा ना काउंट होगा, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए 30 क्योंकि दोनों में है उसको एक बार हटाना पड़ता है, वो 30 वाला जो पार्ट है वो एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार आ गया, तो आपने तो दोनों बार गिन लिया, यहाँ 6 गिने, यहाँ 5 गिने, 11 हो गए, पर 11 में से एक तो कॉमन है, तो उस एक को हटाना पड़ता है, कुल मिला के 10 मल्टीपल माने जाएंगे। तो इसीलिए ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जो एक कॉमन 30 वाला पॉइंट है, वो हटाना पड़ता है। इसको अपन एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, क्या वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड आपको निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए किंग, या तो वो किंग हो और या वो रेड हो। तो यहाँ और टर्म का यूज हुआ है, या तो वो किंग हो और या वो रेड हो, है ना, तो या है यानी और है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देख रहे हैं अपन, सबसे पहले तो 52 कार्ड है, उसमें से किंग कितने हो सकते हैं, कह जी 4 हो सकते हैं, अच्छा फिर और है तो प्लस लगा दिया। अब हमें 52 कार्ड है उसमें से रेड कितने हो सकते हैं, तो रेड आपके 2 हो सकते हैं, आपके हार्ट भी हो सकते हैं और आपके ब्रिक भी हो सकते हैं, तो 26 कार्ड हो सकते हैं, तो ये अपने सारे किंग भी आ गए, सारे रेड भी आ गए। अब इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये कि रेड आपने जब सारे 26 ले लिए, तो उसमें जो 2 किंग थे वो भी तो रिपीट हो गए, किसके, हार्ट और ब्रिक के, पान और ईंट के, एक के जो बादशाह हैं किंग है वो भी तो रिपीट हो गए, उन दोनों को यहाँ से हटा दो, क्योंकि वो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी, किंग इसमें भी है दोनों और इसमें भी है, तो एक बार हटाने पड़ेंगे, तो 2/52 आप लेस कर देंगे, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा, सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, ए बॉक्स कंटेन 100 बॉल नंबर 1 to 100, उन पर 1 से लेकर 100 तक के मार्किंग लिखी हुई है, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द बॉल इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो, या तो वो मल्टीपल ऑफ 3 के बॉल हो या मल्टीपल ऑफ 5 की बॉल हो। तो देखो सबसे पहले तो अपन को देखना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑफ 300 तक की काउंटिंग में कितने हो सकते हैं, तो मैंने 100/3 किया, अप्रोक्सली 33 बॉल्स आ गई, मल्टीपल ऑफ 5 है तो 100/5 लिए तो एग्जैक्टली 20 आ गया, तो कुल मिलाकर 33 and 20 आपका 3 और 5 का मल्टीपल हो सकता है, और इनमें कॉमन क्या रहेगा, जो वो वर्ड जो वो डिजिट्स जो 3 के टेबल में भी आती है और 5 के टेबल में भी आती है, वो है 15 30 45 60 75 और 90, कुल मिला के 6 नंबर यानी 6 बॉल्स ऐसी होंगी जो कॉमन भी है। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, 3 का मल्टीपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो 3 का मल्टीपल 33 आउट ऑफ 100,
फाइव का मल्टीपल 20 आउट ऑफ 100 और मैं कॉमन है 6, तो 6 आउट ऑफ 100 लेस कर दो, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉमन को लेस करना बहुत जरूरी है, दोनों को तो आप ऐड कर लोगे क्योंकि एडिशन थ्योरम है, और कॉमन को जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसको लेस भी करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है।